देश के नौजवान थे, 18-21 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए। इनके छापो ना चित्र कि वह सब अपने मंत्री की फोटो नोटों पे छापे और इकोनॉमिक बढ़ाए। ये केजरीवाल और केजरीवाल की टीम जो है ना, ये गिरगिट के उस्ताद हैं। ये इतने बड़े झूठे हैं केजरीवाल, कब क्या कह जाते हैं और कब क्या कर बैठेंगे, कभी तो टोपी लगा लेंगे। तो ये केजरीवाल जी जो है ना, वो डिग्री पता ना पाए थे, ओरिजिनल पाए थे, डुप्लीकेट पाए थे। तो इस आदमी का झूठ सुनते सुनते आज करीब 8.5 साल हो गया। इतना बड़ा झूठा है कि इसके पास ना कोई प्रूफ है, ना ये कुछ कर सकता है, ये नौटंकी बाज है। नोट में फोटो छपगी तो अर्थव्यवस्था उछाल पे जाएगी। ये केजरीवाल पागल है क्या? इन्हें हिंदुस्तान से मतलब नहीं है, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले तो केजरीवाल से ये प्रश्न बनता है कि केजरीवाल जी, जो आपके मिनिस्टर रहे हैं, उन मिनिस्टर ने भी भरी सभाओं में कहा हो कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा अपने अटपटे बयानों के लिए सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने इसी तरह केंद्र सरकार से ये गुजारिश करी है कि आने वाली नई नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छापी जाए। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद है दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में। हम यहाँ पर आम लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी राय, वो कितना केजरीवाल की इस बयान से सहमत है। तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? दीनानाथ। सर, केजरीवाल सरकार का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि आने वाली नए नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो छापनी चाहिए, इससे आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं है। हम तो केजरीवाल के किसी भी बात से सहमत नहीं होते, लेकिन सौभाग्य है उनको सद्बुद्धि आ रही है इस हिंदुत्व को लेकर के। अगर जो ये सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके जैसे अगर लोग सोचने लगे तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान की। ये इतने बड़े झूठे हैं केजरीवाल, कब क्या कह जाते हैं और कब क्या कर बैठेंगे। कभी तो टोपी लगा लेंगे, कभी ये जनेऊ पहन लेंगे, कभी वो गमछा ओढ़ लेंगे, कभी हवाई चप्पल पर चले जाएंगे। इन्हें प्रोटोकॉल का पता नहीं है, कभी वहाँ से भाग जाएंगे। तो ये केजरीवाल जी जो है ना, वो डिग्री पता ना पाए थे, ओरिजिनल पाए थे, डुप्लीकेट पाए थे। जब तक वो सरकार में थे, जब तक नौकरी करते थे, तब तक एक भी चींटी को आरोपित नहीं कर पाए थे। लेकिन नौकरी पे बीआरएस लेने के बाद ये पूरे लोगों को, पूरे मंत्रियों को, यहाँ तक कि शीला जी के लिए तो कहे थे कि आते ही शीला जी को जेल हो जाएगा। तो इस आदमी का झूठ सुनते सुनते आज करीब 8.5 साल हो गया मुझे लगता है। और ये इतना बड़ा झूठा है कि इसके पास ना कोई प्रूफ है, ना ये कुछ कर सकता है, ये नौटंकी बाज है। इसका गुजरात चुनाव देख करके जो ये भड़क रहा है, ये सोच रहा है कि हमारा गुजरात में चल जाएगा तो वो बस पंजाब तक सीमित रहा। अब पंजाब भी छोड़ेगा, दिल्ली से भागेगा, ये राजनीति से इतना दूर हटेगा कि ये बेचारा खुद संन्यास ले लेगा। कुछ दिन में इसको संन्यास नहीं लेना पड़ेगा, इसको कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन उन्होंने इंडोनेशिया का हवाला देते हुए कहा है कि इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, उसमें भी गणेश जी की फोटो छापी जाती है, तो भारत जो जिसमें हिंदू भारी मात्रा में है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या है? बता दूँ, ये बार बार विदेश की बात करता है, लेकिन ये इंडोनेशिया का एक बाल बराबर है क्या? ये इंडोनेशिया जैसे सिटी को, यहाँ तो हिंदुस्तान में ऐसा लोकतंत्र दे दिए हो कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, जाति बिरादरी धर्म मजहब ये लोग करते हैं। यहाँ पे तो इस हिंदुस्तान के ये IRS थे कि जहाँ का माननीय सुप्रीम कोर्ट भगवान राम जन्मभूमि के जयंती पर छुट्टी कब करती थी और उन्हीं का केस उसी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता था। एक तरफ तो वो मानते हैं कि भगवान राम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, अयोध्या में पैदा हुए थे, इस जन्म को पैदा हुए थे, पूरा डेट था उनका, छुट्टी भी है और उनके लिए मंदिर बनवाने के लिए झंझट भी था। तो ये तो वही है लोग, तो ऐसे लोगों का तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी बात सुननी चाहिए। वहीं देखा जाए तो केजरीवाल के इस बयान के बाद कई सांसदों की प्रतिक्रिया है। तो वहीं ST के सांसद ST हसन, सपा के सांसद हैं, उनका बयान है कि ऐसी गलत चित्रों का नहीं छापना चाहिए नोटों पर, उनका कहना है कि ये गलत है, तो इस पर आप क्या कहें? अरे भाई, सपा के जब मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी अब स्वर्गीय हो गए, नहीं कहना चाहिए हमें भी, वो सम्मानित थे, जैसे भी थे सम्मानित कहे जाएंगे। सपा के मुखिया को ये नहीं पता कि जब बलात्कार हुआ तो वो बोल बैठे कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो ये तो सपा के विधायक हैं, सांसद हैं, ये सांसद विधायकों को तो वही बोलेंगे जो उनके दादा बोल गए हैं। इनको तो समाजवादी होने की पहचान नहीं पता, समाजवाद की परिभाषा इनके खानदान को नहीं पता। ये समाजवाद बात की अगर परिभाषा जानते तो जातिवादी राजनीति से पैदा नहीं हुए होते, ये तो जातिवादी हैं सब। इन्हें तो कुछ पता नहीं, इन्हें हिंदुस्तान से मतलब नहीं है, इन्हें देश से मतलब नहीं है, इन्हें समाज से मतलब नहीं है, इन्हें मुसलमान से मतलब नहीं है, इन्हें केवल अपना सत्ता से मतलब है। सत्ता चाहिए इन्हें, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए। तो आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बयान के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहेंगे सुधर जाओ, दिल्ली को सुधार दो,
अपना झूठ बंद करो, सत्य बोलो, सनातन में बन जाओ, सनातन की भाषा सीखो। तुम्हारे मंत्रियों को पता ही नहीं कि क्या बोल जाते हैं। तुम्हारा मंत्री बोलता है भगवान है नहीं। महात्मा बुद्ध कौन थे? मैं पूछना चाहता हूँ पाल साहब से, राजेंद्र पाल जी से पूछना चाहता हूँ कि महात्मा बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्या विचारधारा रखा। महात्मा बुद्ध भगवान ने किसी भगवान को गाली नहीं दिया, वो आदरणीय इसीलिए बने कि उन्होंने गरीब मजलूमों के सहारा के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दिया। और ये देवी देवताओं को गाली देंगे, ये देवी देवताओं की अवहेलना करेंगे। अरे राजेंद्र पाल गौतम किसी धर्म लायक हो कि नहीं हो, पहले तो अपने बारे में सोचो, इसके बाद किसी के भगवान को आप बोल सकते हो। किसी का भगवान को के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, वो सब लोग आदरणीय हैं। तो आप इस बात से समर्थ नहीं है, सहमत नहीं है, तो किसकी फोटो होनी चाहिए नोटों पर? फोटो जिसकी है वो चलने दो, अगर लगाना ही है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव का लगाओ। इन लोगों का लगाने लायक है, लगा दो इनको, लाओ, स्वागत है उनका। क्या वो अभी उस लायक नहीं है भाई? महात्मा गांधी जी के साथ कम से कम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही लगा दो, कुछ उनको सम्मान दो। आप कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप सम्मान देते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम तो भ्रष्टाचार विरोधी थे। तुम भ्रष्टाचारी कैसे बने? तुम क्या मुंह दिखा रहे हो? मुझे तो लगता है कि इतना निर्लज्ज आदमी जिसे कहते हैं, जानता है कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं मदारी हूँ, मैं झूठेरा हूँ, मैं भ्रष्टाचारी हूँ, लेकिन फिर भी वही मुंह लेके, वही चेहरा लेके ये पूरे देश में जाके घूम रहा है कि मैंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया, दिल्ली को ये कर दिया, मैंने ये बिजली दे दिया, वो पानी दे दिया। दिल्ली में वो नरक है कि जरा सा छींटा पड़े तो जूते धोना पड़ते हैं, पूरा यहाँ ठगुने तक का पैर जो जाता है ना वो पानियों में जाता है। ये दिल्ली की दशा है, ये तो अभी कूड़े के लिए परेशान है। जो सीएम दिल्ली का कूड़ा नहीं उठा सकता वो विकास क्या करेगा? दिल्ली की जनता मूर्ख है। जो साफ सफाई नहीं कर पाया वो विकास क्या कर पाता? जैसा कि अगर आप नहाओगे नहीं, धोओगे नहीं, कपड़ा नहीं साफ कर पाओगे तो समाज को स्वच्छ क्या बना पाओगे? ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी सोचने की बात है कि ऐसे भ्रष्टाचारी जो महोदय हैं, एमसीडी वालों को तो सैलरी नहीं दिए, उनके पैसे रोक लिए नौटंकी करने के लिए कि एमसीडी का दूर था। अरे वही एमसीडी थी जब 15 साल शीला की गवर्नमेंट रही, तब तो ये एमसीडी की हालत नहीं थी, वो सैलरी पा जाते थे। लेकिन ये जब से बना, ये व्यक्ति जब से बना, तब से कौन सी राजनीति पैदा किया कि ने कूड़ा उठा, ने कीचड़ गए, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं। एमसीडी और एनडीएमसी के कर्मचारी बेचारे दर दर ठोकर खा रहे हैं, दर दर ठोकर खा रहे हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि हमने देखा, आम जनता काफी भड़की हुई है। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम क्या है? अशोक शाही जी। सर आप केजरीवाल सरकार ने, आपने सुना होगा खबरों में कि उन्होंने बयान दिया है कि आने वाले नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापनी चाहिए, इससे आप कितना सहमत है? देखो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने बयान दिया है सोच समझ के दिया है, लेकिन मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि उसके कई तीन रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि हर आदमी पैसा जेब में रखता है, कोई लेडी बाजार में जाती है, बच्चा बाजार में जाता है, सामान खरीदता है, कोई पैसा अगर गिर जाए पैरों में पैसा आ जाता है, वो घर जाकर देखता है मेरा पैसा खो गया। इन द मीन टाइम तो पैसा पैरों में गया ना, लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो तो पैरों में आ गई। और दूसरा रीज़न ये है कि शादी है, ब्याह है किसी का, ये कोई और पे है, उस मौके पे लोग खुशी में पैसा बांटते हैं, खूब पैसा लुटाते हैं, थ्रो करते हैं पैसे का, वो थ्रो करने पर पैसा कहाँ जाता है? मेरी जिम्मे नहीं जाता, तो आपकी जिम्मे या कोई सारा पैसा जमीन में जाएगा और उसके ऊपर लोग पैर करके नाचेंगे, ये क्या कोई, ये कोई धर्म की बात है? इससे बड़ा पाप क्या है कि हिंदू मतलब शिव लक्ष्मी जी को पैरों में तुम वो करो। ठीक है हमारी इकोनॉमी ख़राब है, लेकिन ये लक्ष्मी जी की फोटो लगाने से इकोनॉमी ठीक थोड़ी हो जाएगी। और तीसरी बात जो मेन रीज़न है, जो मेरा पर्सनल व्यूज़ है, जितने बिजनेसमैन है पैसा देते हैं किसी को, वो पैसा गिन के देते हैं, उसमें थूक लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ इससे मैं नहीं समझता, जो मेरे एज ए हिंदू मेरा ये व्यूज़ है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटों पर क्या नाम नोटों पर थूक लगेगा, कितना बड़ा पाप है। बाकी ये ठीक है, मेरे व्यूज़ ये हैं। बाकी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी हैं, वो जो चाहे कर, सरकार उनकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया। तो आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, आइए उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? परमानंद। सर केजरीवाल सरकार का जो बयान है कि आने वाले नए नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापी जानी चाहिए, इससे आप कितना सहमत है? मैं तो सहमत नहीं हूँ, भगवान की फोटो नोटों पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदमी पैसे पिछवाड़े पे भी रखता है, पिछली जेब में भी रखता है, आगे भी रखता है, तो भगवान कहाँ लग गए? गलत है ये,
इसमें चंद्रशेखर की फोटो छाप दो ताली, और किसी की छाप दो। और लेडीज पर पैसे कहाँ रखती हैं, वो फिर गलत जगह गए। ये लक्ष्मी और गणेश की फोटो तो गलत है, मैं नहीं मानता। जैसा कि हम लोगों से लगातार बातचीत करते आ रहे हैं, हम यही देखने को मिल रहा है कि लोग इस बयान के बाद काफी भड़के हुए हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार। सर, केजरीवाल सरकार के जो नया बयान है कि आने वाले नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापी जानी चाहिए, इससे आप कितना सहमत, किस तरह देखते हैं आप इसको? ये केजरीवाल का दिवालियापन लग रहा है मुझे, वो बौखला गया है। क्योंकि जब से वो पंजाब में दूसरी बार सरकार बना चुका अपनी, यानी दिल्ली में बनी फिर बाद में पंजाब में बनी, वो बौखलाहट हो गया है, पागल हो गया है। अब ये भारत के अंदर हिंदू देवी देवताओं को याद कर रहा है। पहले तो केजरीवाल से ये प्रश्न बनता है कि केजरीवाल जी जो आपके मिनिस्टर रहे हैं, उन मिनिस्टर ने भी भरी सभाओं में कहा हो कि भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, पहले तो उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जनता को बताए कि केजरीवाल गलत है या उसका मंत्री गलत है जिसने कहा था कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, कोई ईश्वर ही नहीं है। पहले तो ये आपस में क्लियर कर लो ना, फिर उसके बाद बात करो कि नोट में फोटो छपनी चाहिए भगवानों की या नहीं छपनी चाहिए। मगर केजरीवाल जी ने दावा किया है कि ऐसा करने के बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उछाल पर आ जाएगी, इसको आप कैसे देखते हैं? नोट में फोटो छपगी तो अर्थव्यवस्था उछाल पर आ जाएगी? ये केजरीवाल पागल है क्या? फिर तो केजरीवाल को एक काम करना चाहिए, जितने भी उनके मंत्री हैं उन सबकी नोटों पे फोटो छपवा दें, फिर अर्थव्यवस्था बढ़वा दें। अरे केजरीवाल को बोलो दारू बेचे पंजाब के अंदर, जब पंजाब में कह रहा था कि मैं नशा मुक्त करूंगा पंजाब को, और वहीं दिल्ली में दारू खूब दारू बेची उन्होंने, खूब नोट कमाया दिल्ली सरकार में दारू बेच बेच के। तो केजरीवाल साहब को ये बोलना चाहिए कि वह सब अपने मंत्री की फोटो नोटों पे छापे और इकोनॉमिक बढ़ाए, सारे नोटों पे छाप दो अपनी मंत्री की फोटो। तो आप केजरीवाल सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे, केजरीवाल जी आप थोड़ा अपना दिमागी संतुलन ठीक करिए, और ये जो आपने पाखंड मचाया है ना कि भगवानों का नोटों पे फोटो छाप दो जिससे हिंदूवादी छवि बन जाएगी और हिंदूवादी वोट हासिल कर लेंगे, गुजरात में चुनाव है अभी, दिल्ली में MCT के चुनाव है, ये केवल उन चुनावों को और जो हिंदू वोट जो अब हिंदू जागृत हुआ है, हकीकत में हिंदू को पता लगा उसकी वोट की कीमत क्या है, हिंदू ने अपनी ताकत दिखा दी वोट देकर सरकार को चुनकर कि केंद्र में सरकार जो मोदी की सरकार है उसके हाथ मजबूत करके उसने ये बताया है, साबित कर दिया हिंदुओं ने कि अब हिंदू के वोट से ही सरकार बनेगी। इसको देख के वो बौखला गया है और ये पागलपन कर रहा है। कभी वो हनुमान जी के मंदिर जाता है, कभी उसकी नानी याद आ जाती है कि नहीं अयोध्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा, मेरा राम ऐसा नहीं है, किसी की मस्जिद तोड़ के वहाँ मंदिर बना दो, एक कहता वहाँ शिक्षा का संस्थान बना दो, एक कहता वहाँ पे हॉस्पिटल बना दो। अब क्यों जा रहा भाई वो, अब क्यों लेके जा रहा है सबको, आओ राम के दर्शन करने चलो, राम लल्ला के दर्शन करने चलो। ये केवल हिंदू वोटों को गुमराह कर रहा है ये केजरीवाल, और केजरीवाल की टीम जो है ना ये गिरगिट के उस्ताद हैं ये सारे के सारे। केजरीवाल के इस बयान के बाद कई सांसदों की प्रतिक्रिया है, वहीं HT जो है सपा के सांसद, उनका कहना है, HT असल उनका कहना है कि ये गलत चित्रों का इसमें छापने से देश का माहौल खराब होगा, इस पर आप क्या कहते हैं? तो उनको बोलो कहना नहीं चाहिए, उस चित्रों पे मुलायम सिंह की फोटो छपवा देना, उन चित्र पे अखिलेश की फोटो छपवा दो ना, डिम्पी की फोटो छपवा दो ना, तब तरक्की हो जाएगी, वो फोटो अच्छी लगेगी उनको। उनको शर्म नहीं है ये बात कहते हुए, हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान करते हुए उनको शर्म से मर जाना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं, ये सपा का नाम जानते हैं, समाजवादी पार्टी, समाज से परे दूर हैं वो लोग। रात को अय्याशी करते थे जाके, कहाँ पे, सेफे में हीरोइन को बुला बुला के नचवाते थे, लाखों रुपया उड़ाते थे, हवा में उड़ाते थे बेवकूफ। तब उनको याद नहीं आता था कि समाजवाद क्या है, सामाजिक लोग क्या है। उनका अपना पहले अपने अस्तित्व का अपना कल्चर को सपा ठीक करे, उसके बाद बात करे हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए। तो अगर भगवान की फोटो छपे तो इसमें दिक्कत क्या है, इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है? सर बवाल नहीं है, एक्चुअली में भगवान एक आस्था का प्रतीक है, लाखों लोग करोड़ों लोग भगवान को अपना आस्था मानते हैं, अपनी उसमें पूजा श्रद्धा रखते हैं। आप ये बताओ मेरा मीट का काम है मान लो, तो वही मीट के काम से मैं फोटो ही लूँगा नोट की जिसमें छपी होंगी हमारे देवी देवताओं की, वो नोट गले में जाएंगे। ऐसे किसी और का कुछ काम होता है उसके गंदे हाथ लगेंगे। पैसों को कहाँ कहाँ रखा जाता है ये भी एक प्रश्न चिन्ह है, महिलाएं कहाँ रखती है, पुरुष कहाँ रखता है। कई लोग
जो पुलिस से बचते हैं, गुंडे लुटेरे डाकू, वो पैसे कहाँ छुपा छुपा के रखते हैं, कभी जूते में रखते हैं, कभी अपने पिछवाड़े में रखते हैं, तो वो अपमान है, हमारे देवी देवताओं का अपमान है, उन चित्रों का अपमान है। तो ऐसा ये नोट पे चित्र नहीं छापने चाहिए, महापुरुषों के छाप दो, भगत सिंह का छापो ना, राजगुरु का छापो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का छापो, छापने तो इनके चित्र छापो ना। देश के नौजवान थे 18-21 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए, इनके छापो ना चित्र। तो आप ये मानते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े शहर के मुख्यमंत्री को ऐसे अटपटे बयान नहीं देने चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसको तो जाके अपना साइकेट्रिस्ट के पास बैठना चाहिए, अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए उसको। तो ये थी आम जनता की राय, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ऐसे बयान देने से पहले कई बार सोचना चाहिए, और ऐसे बयान उनको देना शोभा नहीं देता। फिलहाल दिल्ली से खबर टुडे न्यूज़ के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।